बर्गर बाइट्स। बर्गर बाइट्स के लिए आपको कीमा चाहिए 500 ग्राम, दैट्स हाफ के जी। बीफ मिंस, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, चॉप्ड हैलापीनोज 2 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर, पार्सले, अनियन चॉप्ड हाफ कप, वर्स्टशायर सॉस 1 टेबलस्पून, चेडर चीज 4 टेबलस्पून, कॉर्न फ्लावर 2 टेबलस्पून, ठीक है। फ्राई करना है टिल स्मूथ। परफेक्ट। इसको मैं निकाल के इसके बॉल्स बनाऊंगी, ठीक है। इसके बॉल्स बना के इसको हम थोड़ी सी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे, ठीक है। और फिर हम इसका बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के बाद इसको हम बैटर में डिप करेंगे। पैंको ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, जिसमें मुझे पार्मेसियन चीज़ मिक्स करनी है, ठीक है। इसका बैटर बनाएंगे पैंको और पार्मेसियन चीज़ में हम इसको कोट करेंगे फ्रेश पार्सले डाल के, और फिर हम डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। कीमा बिल्कुल स्मूथ हो गया। फिर इसको मैंने निकाला चॉपर से, एक छोटे प्याले में थोड़ा सा तेल लिया, अपने हाथों को हमने ग्रीस किया ऑयल से, और वो कीमे से हमने गोल गोल बॉल्स बनाए, कोफ्ते जैसे हम बनाते हैं वो हमने कोफ्ते बनाए, राउंड बॉल्स बनाए। और उसको मैंने रख दिया है फ्रीज़र में, एटलीस्ट 1 आवर रखिएगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट आई कीप इट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स, ठीक है। फिर मैंने अभी यहाँ खड़े खड़े ये बैटर बनाया है बर्गर बाइट्स के लिए। क्या बैटर है इसमें, मैंने लिया था आधा कप मैदा, ड्राई फ्लावर, आधा कप कॉर्न फ्लावर, सॉल्ट एंड पेपर क्वार्टर से हाफ टी स्पून ईच, मिल्क हाफ कप, सिरका 2 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ों को लेके मैंने विस्क से विस्क किया और इसका बना लिया बैटर, जो कि हमारा कोट वो है, बैटर है जिसमें हम अपने बॉल्स को, बर्गर बाइट्स को डिप करेंगे। और फिर ये कोटिंग है, ये अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो ये हमारा हो गया बैटर जिसमें हम अपने बर्गर बाइट्स को डिप करेंगे। डिप करने के बाद फिर हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में। ये मेरे पास बाहर के पैंको के ब्रेड क्रम्स हैं, बहुत मोटे होते हैं, मैंने इनको सुबह चॉपर में पीस लिया था, ठीक है। इसमें मैंने अभी आपके सामने ये पीली आपको चीज़ नज़र आ रही है, पार्मेसियन चीज़ डाली, 3 से 4 टेबलस्पून डाल लीजिए, पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है तो नहीं डालें, ठीक है, लेकिन डाल लें तो अच्छा है। और फ्रेश पार्सले डाली। इसको तीनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, और फिर बैटर में बॉल को कोट करने के बाद इसमें हम इसको स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से, कोटिंग है ये, और फिर इसको हम करेंगे फ्राई, ठीक है। और इसको हम सर्व करेंगे रैंच सॉस के साथ। रैंच सॉस मैंने खुद बनाई है घर में। इसके लिए मैंने मेयोनीज ली थी हाफ कप, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें सार क्रीम डाली, 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डाल के उसको बना दिया था सार क्रीम, सही। तो सार क्रीम सिरके के साथ मिक्स की हुई क्रीम चली गई। दूध लिया था मैंने 3 से 4 टेबलस्पून,
क्वार्टर कप बहुत नहीं डालिएगा, पतली ना हो जाए, ठीक है। उसमें भी मैंने लेमन जूस या सिरका डाल दिया 1 टेबल स्पून और उसको मिक्स करके वो भी इसमें डाल दिया। बटर मिल्क हो गया, सार क्रीम हो गई और मेयोनीज हो गई। फिर आपको इधर नज़र आ रहा है ग्रीन ग्रीन, मैंने इसमें पार्सले डाला है 1 चाय का चम्मच और 1/2 चाय का चम्मच दिल, गार्लिक पाउडर डाला 1/2 टीस्पून, अनियन पाउडर भी मिलता है वो डाला 1/2 टीस्पून और सॉल्ट एंड पेपर 1-1 चुटकी, ठीक है। ये मैंने बॉल्स बना लिए थे बर्गर बाइट्स। हमारे बर्गर बाइट्स प्लीज फ्रीज जरूर करने। रैंच सॉस, बड़े क्रिस्प होते हैं ये। ठीक है, इस तरह से आप इसको सर्व करेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डालूंगी पार्सले। ठीक है, बर्गर बाइट्स, अज्जा, बीफ का कीमा 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चॉप्ड हैलापेनो 2 खाने के चम्मच, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, पार्सले 2 चाय के चम्मच, कच्ची प्याज 1/2 कप, वर्सेशायर सॉस 1 खाने का चम्मच, चेडर चीज 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच। बैटर के लिए अज्जा, मैदा 1/2 कप, कॉर्नफ्लावर 1/2 कप, नमक 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, दूध 1/2 कप, सिरका 2 खाने के चम्मच। कोटिंग के लिए अज्जा, पान को ब्रेड क्रम्स 2 कप, पार्मेसान चीज 2 खाने के चम्मच, चॉप्ड फ्रेश पार्सले 2 खाने के चम्मच। रॉन्च सॉस के लिए अज्जा, मेयोनीज 1/2 कप, सार क्रीम 1/2 कप, बटर मिल्क 1/4 कप, पार्सले 1 चाय का चम्मच, बारीक कटा सोया 1/2 चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, ओरिगानो पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, नमक काली मिर्च 1 चुटकी।